ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना, तो फिर सुनो। ये बहुत पहले की एक बात है। एक घने जंगल में रहता था एक कौवा, एक हिरन, एक चूहा और एक कछुआ। चारों की एक दूसरे में जान बसती थी। सुख में, दुख में, संपदा में, विपदा में रहती थी चारों की अप्रतिम दोस्ती। एक दिन आज का दिन सच में बहुत मोहक है। नरम धूप, ठंडी हवा जैसे चमकार। अरे कछुआ भाई निकल गए हैं खाने के तलाश में बड़ी जल्दी। इससे पहले कि कौवा कछुए को बुलाता, कहीं से एक जाल आकर गिरा कछुए के ऊपर। जाल में फंसा कछुआ जब झटपटा कर जाल से निकलने की कोशिश करने लगा तो और भी जाल में फंसता चला गया। जाल की डोरी को पकड़े हुए पेड़ के पीछे से निकल कर आया एक शिकारी। उसके बाद अरे बाप रे, कछुए को कंधे में लेकर शिकारी तो निकल पड़ा। अब क्या करूं? जाता हूं, सबसे पहले चूहे और हिरन को खबर देता हूं। कौवे ने उड़ना शुरू किया और सीधा पहुंचा चूहे के घर के सामने। उसके बाद अरे अरे चूहे, अरे चूहे भाई, अरे अभी निकल बाहर, भयानक विपदा है। क्या हुआ, क्या हुआ? अभी हिरन भाई के पास जाना होगा, चलो जल्दी। अरे विपदा किस बात की है, वो तो बताओ ना। अरे मत पूछो भाई, कछुए भाई पर बहुत बड़ी विपदा आई है। शिकारी के जाल में फंस गए हैं कछुए भाई। चलो जल्दी हिरन भाई को बताते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी। इसके बाद जितना जल्दी हो सके कौवा और चूहा पहुंच गए हिरन के घर पे। हिरन दूर से ही उनको देखकर बोला, आओ आओ बैठकर जरा बातें करते हैं, समय नहीं है, अभी निकलना पड़ेगा। कछुआ भाई विपदा में फंस गए हैं, अभी चलो। क्यों, क्या हुआ है? अरे कछुए भाई को कंधे पर बांधकर एक शिकारी चल पड़ा अपने रास्ते। कछुए भाई को बचाना होगा, जल्दी चलो वरना कोई आस नहीं बचेगी। हाँ, चलो, चलो चलो। किस तरह से कछुआ भाई को बचाओगे, सोचा है कुछ? नहीं, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। अरे मुझे एक तरकीब सूझी है, सुनो। तीन दिमाग एक जगह लगकर पता नहीं क्या परामर्श किया। उसके बाद हिरन चूहे को पीठ में बिठाकर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ कौवा भी आसमान में अपने पर फैला रहा था। अचानक दिखाई दिया कि शिकारी कछुए को कंधे पर लादकर महा आनंद से चल रहा है। ए, आज घर जाकर ना कछुए का मीट बनाऊंगा। कछुए का मीट, ओह बहुत दिनों बाद खाऊंगा जमकर। अचानक शिकारी देखता है कि दूर एक हिरन गिरा हुआ है और उसके ऊपर बैठा है एक कौवा जो हिरन को चोंच मार रहा है। ए, ए, क्या वो हिरन का मीट है? कोई गंध तो आ नहीं रही, पर सोचो सोचो रात में हिरन का मीट खाऊंगा, चावल। पता नहीं आज किसका मुंह देखा था, मैं आ रहा हूँ हिरन। शिकारी जाल समेत कंधे से कछुए को उतार कर एक पौधे के सामने मिट्टी में रखकर जल्दी जल्दी हिरन को देखने चला गया और उसी का फायदा उठाकर ध्यान के अनुसार चूहा काट देता है कछुए का जाल और दोनों दूर जाकर घास फूस में छिपकर मजा लेते हैं। हाँ? अरे यार मुझे बेवकूफ बनाया मुझे। मरा हुआ हिरन तो जिंदा हो गया। अरे चलो यार, कछुए को ही घर लेके जाता हूँ और खाता हूँ।
फिर वो शिकारी रास्ते के किनारे पौधे के पास आकर खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाता है। और उसके बाद, हे भगवान, ये क्या भूल कर बैठा मैं, हिरन भी गया और कछुआ भी गया, हाय हाय हाय, ये मैं क्या भूल कर बैठा भगवान, हिरन भी नहीं मिला और कछुआ भी गया। चुपचाप घर निकल लो अब,